तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक से इडियम्स एंड फ्रेज। यस यस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 81 टू 90 वर्ड, ये 10 इडियम्स सीख के जाएंगे, गारंटी है। आइए फर्स्ट आप लोग के सामने है कैरी फॉर द मून। कैरी फॉर द मून मतलब किसी असंभव वस्तु की कामना करना। क्या क्या? कैरी फॉर द मून मतलब किसी असंभव वस्तु की कामना करना। कैरी फॉर द मून, मून मतलब क्या होता है जी? चंदा मामा, चंदा मामा। ओके जी, अब देखिए जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा घर में रोएगा, रोता है। अब रोता है कि पापा कहते बाहर ले आते हैं गोद में, मम्मी यार देखो बस है बस है बस है, बच्चा चुप हो जाता है ना। कभी कभी देखो बाबू गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, चुप हो गया। एक दिन क्या हुआ, पापा जो है लेके आए बाहर और बोले देखो बाबू चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा। वो पगला और रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा, ला के दो ला के दो ला के दो ला के दो। अरे बाबा, है ना, तुमने मम्मी से वादा किया किए थे जो तेरे वास्ते चांद ला के दूंगा, सो तो पूरे नहीं हो पाया और आज तुम फिर बोल रहा है ला के दो ला के दो ला के दो। मतलब ऐसी इच्छा कर दिया वो बच्चा, आज तो गुब्बारा दिखा देते गुब्बारा कहते लाके दो लाके दो लाके दे देते थे, है ना। बस दिया तो बस रुकवा दिए, बैठा दिए, घुमा दिए। लेकिन आज बगला क्या कर दिया, कैरी फॉर द मून, है ना, क्राई फॉर द मून। ऐसी इच्छा जिसे पूरा करना संभव ना हो, तो इसको क्या कहते हैं, किसी असंभव वस्तु की कामना करना। क्या क्या? किसी असंभव वस्तु की कामना करना, याद रहेगा तो क्या करेंगे, क्राई फॉर द मून बोले तो किसी असंभव वस्तु की कामना करना। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोग का क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्या क्या? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब व्यर्थ का पछताना, व्यर्थ का पछताना, है ना। बोल कह रहा है रिग्रेट इन वेल फॉर व्हाट कैन नॉट डू व्हाट कैन नॉट बी अनडन। ओके जी, मतलब क्या हो गया, व्यर्थ का पछताना। अब देखिए एक मैडम जी थी, आजकल मैडम जी का मस्त मौसम चला हुआ है, रील्स रील्स रील्स, है ना, बनाएगी भी और देखेगी भी, दुइये को काम में है। अब दूध चढ़ा दी मैडम जी गैस पे, चढ़ा दी, अब दूध चढ़ा हुआ है, नीचे से चल रहा है, लग रहा था। अब मैडम अपना रील्स रील उसी में खो गई, तब तक दूध उबल के पूरा नीचे गिर गया, है ना। मतलब और बाद में वो सर पकड़ के हाथ व्यर्थ का पछ, ए पगली, जिस समय ध्यान देना था उस समय तो ध्यान दी नहीं, उस समय तो रील्स पे ध्यान था, अब व्यर्थ का पछतावा। मतलब क्या है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, और उसके बाद जोर जोर से रोने लगी, आए बस तक देखिए नहीं से पगली, ध्यान न कह देती है ना। तो क्या है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना, व्यर्थ का पछताना। नेक्स्ट क्या है, कट अ सॉरी फिंगर। कट अ सॉरी फिंगर मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। यस यस, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, मतलब पूरे जोर लगा देना, पूरे जान लगा देना, मतलब फिंगर तक इतू सा भी, है ना, कसर नहीं छोड़ना। जब भी कोई काम करे तो इत्तु सा भी कसर नहीं छोड़ना, मतलब क्या हो गया, कट अ सॉरी फिंगर। कट अ सॉरी फिंगर मतलब क्या, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। जैसे अभी देखिए शाहरुख खान का नाम जानते हैं आप लोग, शाहरुख खान इतना एजेड हो गया, इतना सारा मूवी कर दिया, इतना सारा हिट मूवी कर दिया, उसके बावजूद भी अगर वो अभी भी कोई मूवी करता है तो बार 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 देखता है, यार कुछ कमी तो नहीं छोड़ा, कुछ कमी इतू सा भी तो कमी नहीं छोड़ा। तो अपने तरफ से जितना हो सके 100% देना, है ना, मतलब कट अ सॉरी फिंगर, इतू सा भी नहीं प्रभाव छोड़ना। ओके जी, क्या बोल रहा है, टू गिव अ पुअर सो, टू गिव अ पुअर सो। ओके जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कट बोथ वेज। क्या क्या? कट बोथ वेज मतलब दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। ओके जी, देखिए तो क्या है, कट बोथ वेज, बोथ मतलब दोनों, दोनों के बारे में, बुरा बोला तो दोनों को कट किया, अच्छा बोला तो दोनों को अच्छा बोला, मतलब दोनों। जैसे अभी बीजेपी कांग्रेस है, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को भी अच्छा बोलते हैं, कांग्रेस को भी अच्छा बोलते हैं। काहे अच्छा बोलते हैं, अरे यार अभी बीजेपी कहीं फिर आ गए कांग्रेस तो फिर हमारा जीना हराम, तो ये लोग दोनों को अच्छा बोलते हैं। क्या वो कैसे व्यक्ति हैं, कट बोथ वेज, कैसे व्यक्ति हैं वो, कट बोथ वेज, क्या बोलते हैं, आर्गू इन फेवर
ऑफ बोथ साइड, आर्गू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ बोलते हैं, यस यस दोनों तरफ, दोनों का पक्ष लेते हैं, जाने दो कोई जीते, वाह वाह है ना, अपना तो कंपनी चल रहा है, मतलब कट बोथ वेज, मतलब दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क देना, ओके जी, क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है कट नो आइस, कट नो आइस, कोई असर नहीं डालना, कट नो आइस, कोई असर नहीं डालना, क्या बोल रहा है, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, है ना। अब देखिए, अब आइस से आइसक्रीम का आप चाहिएगा कोई शेप देना और कट 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 कर रहे हैं यार, वो कभी नहीं हो पाएगा, कोई असर नहीं डालना, आप काटते रहिए काटते रहिए, आइसक्रीम ऑटोमेटिक गल जाएगा, काटिएगा इधर से कुछ आगे से ही गल के खत्म, काटते रहिए, है ना, मतलब कोई असर नहीं डालना, आप आइसक्रीम को आड़ी से काटते रहिए कोई असर नहीं डाल पाइएगा, है ना, काटिएगा इधर से गल जाएगा उधर से पिघल जाएगा, है ना, मतलब क्या, कट नो आइस, भैया आइस को आप कट नहीं करेंगे, आइस को कट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑटोमेटिक पिघल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, वंस मतलब क्या बोले थे, किसी का, किसी व्यक्ति के लिए अगर आप कोट खरीदते हैं तो उनके क्लोथ के अकॉर्डिंग है ना, अरे जिस साइज का वो शॉर्ट पहनते होंगे, जिस साइज का वो कपड़ा पहनते होंगे उसी साइज का ना जी कोट खरीद के लाइएगा, ऐसा तो नहीं ना जो शॉर्ट पहनते हैं 30 का और कोट खरीद के लिए 45 का, नहीं ना होता ही, हो सेम चाहिए ना, तब तो क्या, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू क्लोथ अपना लोग खरीदते हैं कोट, अकॉर्डिंग टू क्लोथ लेते हैं कोट, ओके जी, देखते होंगे मैडम जी लोग को वो ज्यादा वो नाप नहीं देना चाहती है तो क्लोथ लेके जाएगी, दे देगी दर्जी को, ला ए साइज के बना दियो, समझ रहे हैं कि नहीं, यस ना, तो पगला सब दर्जियों से हो तनी गड़बड़ है ना, इसीलिए क्या है, क्या करती है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब अपनी आय के अनुसार व्यय करना, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होगा, अपनी आय के अनुसार व्यय करना, अपनी आय के अनुसार व्यय करना, हाँ भैया जैसन शॉर्ट के साइज ओने क्लोथ के साइज, जितना कमाओ उतने खर्चा करो, नहीं तो ये नहीं है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो हो जाएगा तुरंत नीलामी, है ना, तो कहा है अपनी आय के अनुसार व्यय करना, इसको क्या बोलेंगे, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, टू लिव विद इन वंस मीन्स, टू लिव विद इन वंस मीन्स, ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डांस टू वंस ट्यून, डांस टू वंस ट्यून ट्यून, है ना, मतलब हुकुम का पालन करना, हुकुम का पालन करना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग डांस कभी देखने गए हैं, यस डांस देखने गए होंगे, देखिएगा वो जो 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 वायलिन बजाते रहेगा, वायलिन बजाते रहेगा, वो कहेगा डांस बोले तो नॉर्मल हो जाएगा ये, तो ये तो मतलब उसके अकॉर्डिंग ये ट्यून ट्यून मिलाना पड़ता है। अब इन्हें जो वो डांस वायलिन बजाना शुरू ही नहीं किया, इधर बैंजो वगैरह बजा नहीं, तबला वगैरह का ताल ट्यून मिला नहीं, अब पगला डांस कर रहे ना, सबको ट्यून मिला के एक छक तब करता है स्टार्ट, है ना, तो मतलब यार डांस करो तो वंस ट्यून, है ना, ट्यून मिला लो फिर धक 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 धक, है ना, तो क्या क्या क्या, यस याद रखिएगा, डांस टू वंस ट्यून, हुकुम का पालन करना, हुकुम का पालन करोगे तभी ट्यून हो पाएगा, तभी मस्त सा सॉन्ग, तभी लोग को अच्छा लगेगा, नहीं तो गाना शुरू नहीं कि डांस करना शुरू कर दिया और गाना बज ही रहा है कि डांस मतलब बैठ गया, हाँ देख, है ना, तो क्या है, obeying one's order, obeying obeying one's order, obeying one's order, मतलब हुकुम का पालन करना, हुकुम का पालन करना, डांस टू वंस ट्यून, ओके भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मतलब होता है जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, उसी को कहते हैं
डार्क हॉर्स, है ना, डार्क हॉर्स जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए। क्या बोल रहा है, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, है ना, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, है ना, वैसा व्यक्ति जिसके बारे में थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था जो जीत सकता है और वो जीत गया, है ना, मतलब थोड़ा भी एक नंबर तो छोड़िए तीसरो चौथा नंबर पर उसका चांस नहीं था जो जीत सकता है, किसी को उम्मीद नहीं था जो जीत सकता है और वो जीत गया, मतलब क्या है, वो डार्क हॉर्स है। लगता है एक बार गया रात में इलेक्शन से एक दिन पहले, सब घरे घरे चार चार हजार रुपया अब दूगो पैक और उसके बाद अपना मटन दग पूरे घर में सबके एक तरफ से पूरे पंचायत में गर्दा गर्दा उड़ा दिया, कल हो गए सब गया धक दबा दिया, इसको क्या बोलेंगे, डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स जो प्रत्याशित रूप जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए उसे डार्क हॉर्स, चुपके से जीत गया कोई के पतो नहीं चला, है ना। एक होता है डेड लेटर, डेड लेटर में तो होता है कानून, वैसा कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, यस यस, वैसा कानून जो कभी लागू था बट अब नहीं है, यस यस, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेड लेटर, क्या क्या, डेड लेटर, वैसा कानून जो पहले लागू था बट अब नहीं है उसे कहेंगे डेड, डेड मतलब समझिए ना खत्म, है ना, तो वैसा लेटर वैसा कानून जो पहले था लेकिन अब खत्म है, क्या बोलेंगे, अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इनफोर्सेड, है ना, यस, मतलब वैसा कानून जो पहले तो लागू था बट अब नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, डेमोकल्स, डेमोकल्स सॉर्ड, डेमोकल्स सॉर्ड मतलब होता है सिर पर मंडराता हुआ खतरा, यस यस, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, क्या बोलेंगे इसको, डेमोकल्स सॉर्ड, डेमोकल्स सॉर्ड, अच्छा सॉर्ड मतलब क्या होता है, तलवार होता है, सॉर्ड मतलब होता है तलवार और डेमोकल्स मतलब होता है, याद रखिएगा, खतरा, है ना, अब किसी के ऊपर तलवार लटका दे, लटका दे जो अगर हिला कि गया तुम काम से, है ना, तो वो क्या है बेचारा, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, जब देख लो तोरा सिर पर काल मंडराई छो, तोरा सिर पर काल मंडराई हो, है ना, मतलब क्या, डेमोकल्स सॉर्ड, तोरा सिर पे काल मंडरा रहा है, कब तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा पता नहीं है, इसी को कहते हैं सिर पर मंडराता खतरा, याद रहेगा, क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट थ्रेट, कॉन्स्टेंट थ्रेट, है ना, सिर पर मंडराता खतरा, सिर पर मंडराता खतरा, डेमोकल्स सॉर्ड। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्त को शेयर कीजिए और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और याद रहे डेली शाम में 7 बजे, यस यस, शाम में 7 बजे निर्माण इंग्लिश पर आप लोग को केडी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक पढ़ाया जाता है, बहुत 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 आसान भाषा में एकदम पेज बाय पेज बहुत अच्छे से, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और डेली वीडियो देखा कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।